नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज बात करने जा रहा हूं कवि राजेश जोशी द्वारा लिखी गई कविता जिसका नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने सामाजिक और आर्थिक संकट के कारण उन बच्चों के बचपन छीन जाने पर अपने दुख को प्रकट किया है। बच्चों के बचपन छीन जाने का दर्द व्यक्त करते हुए कवि कहते हैं कि सर्दी की एक कोहरी भरी सुबह में ठिठुरते बच्चों को काम पर जाता देखकर काफी चिंता होती है। इस सामाजिक व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए कवि लिखते हैं कि इस भयानक दृश्य को चित्रित करने की बजाय समाज से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जिससे ये बच्चे मजबूर होकर अपना बचपन खोकर मिल, फैक्ट्री, होटलों, खदान और खेतों में काम पर निकलते हैं। सभ्य और विकसित समाज में बच्चों को खेलने कूदने से वंचित क्यों किया जा रहा है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि क्या इन बच्चों के लिए खेलने वाली गेंद आसमान में गिर गई है? क्या इन बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाने वाली रंग बिरंगी किताबों को दीमकों ने खा लिया है जिस कारण ये बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं? या फिर बचपन में खेलने वाले इनके खिलौने किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं जिस कारण ये बच्चे खेल कूद से वंचित रह गए हैं? शायद किसी भूकंप के कारण विद्यालयों की इमारतें ध्वस्त हो गई है, तभी तो ये शिक्षा पाने से वंचित रह गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि क्या इन बच्चों को खेलने के लिए सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन भी अचानक खत्म हो गए हैं? इन बच्चों को सुबह सुबह काम पर जाता देख कर तो ऐसा ही प्रतीत होता है। क्या इन बच्चों के लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं बचा? अगर ऐसा होता तो कितनी भयानक बात होती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सुबह सुबह ठंड में सिकुड़ते हुए काम पर जाना ही अब इन बच्चों की मजबूरी बन गई है। दुनिया की हजारों सड़कों पर ऐसे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।